हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल बायोग्राफी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम दीपेश भान की बात करेंगे जो अब हमारे बीच नहीं रहे। 41 साल की उम्र में 22 जुलाई 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण यह बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलते समय अचानक गिर गए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाद में जाँच के बाद यह खबर आई कि ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दीपेश भान एक प्रतिभाशाली कॉमेडी अभिनेता थे जिन्होंने फिल्म फालतू ऊंच पटांग चटपटी कहानी के साथ मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश किया था। यह फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी और तब से दीपेश भान टीवी उद्योग में कॉमेडियन के रूप में कई अलग अलग भूमिकाएं निभा चुके हैं। दीपेश का जन्म 11 मई 1981 में नई दिल्ली भारत में हुआ था। दीपेश ने BA कर रखा था। दीपेश की शादी 2019 में दिल्ली में बड़े ही सादगी से हुई थी। एक बहुत ही जाना माना शो है भाभी जी घर पर है, जिसमें दीपेश भान ने मलखान का किरदार निभाया था और इस शो से इन्हें बहुत पहचान मिली थी। इसके पहले भी दीपेश ने और भी कई शो में काम किए थे लेकिन उनसे इन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। दीपेश ने भूत वाला, FIR, सुन यार चिल मार जैसे कई कॉमेडियन शो में काम किया था लेकिन उन्हें असली पहचान भाभी जी घर पर हैं शो से ही मिली थी। दीपेश ने मशहूर एक्टर आमिर खान के साथ भी एक एड में काम किया था और आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।